ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਓਟਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇ ਆਫ ਡਿਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटिकटन के विच रहन वाले हरदीप सिंह चहल उन्हां दी गर्भवती पत्नी कमलदीप कौर और उन्हां दी तीन सालां दी धी सीरत कौर नूं पिछले महीने देश निकाले दे हुक्म दित्ते गए। जोड़े नूं कैनेडियन सरकार दे वल्लों 10 साल का विजिटर वीजा और बाद दे विच वर्क वीजा भी दिता गया सी, जिस तों बाद उन्होंने शरणार्थी का दर्जा हासिल करन दे लई अर्जी दे दित्ती। हालांकि उस दावे दे अते उसके बाद दिया दो अपीलों नूं 2021 अते 2022 विच रद्द कर दिता गया सी क्योंकि वह अपने दावे नूं साबित करन दे लई सही दस्तावेज प्रदान करन च असमर्थ रहे। इस वेले इस पंजाबी जोड़े नूं डर है कि एक बार वह इत्थों चले गए या फिर कैनेडा दे विचों कदे भी उन्हां दी वापसी संभव नहीं हो पावेगी। स्थानक मीडिया रिपोर्टा के अनुसार उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सीमित योग्यतावान के कारण उन्होंने लिए भारत के नौकरी प्राप्त करना मुश्किल होगा। सिक्ख्या ते सेहत संभाल होर दो मुद्दे ने जिन्हों के कारण यह जोड़ा कैनेडा दे विच ही रहना चाहता है। कमलदीप ने एक लोकल अदारे नूं दस्सिया कि असीं अजे जाण दी तैयारी ही नहीं कर सकते। जदों असीं सरकार नूं पुछिया कि असीं क्यों जाना है तो उन्होंने कहा कि यह नियम सरकारी हुक्मों तो पहला हरदीप नम्रता दे विच लेक ब्रिज रिफाइनरी दे विच खेतीबाड़ी कर्मचारी दे विचों नौकरी करता सी अते कमलदीप पेंटिकटन वॉलमार्ट दे विच काम करती सी। लेक ब्रिज रिफाइनरी दे मैनेजर ने तक यह दस्या कि वह हरदीप जो कि 2 साल पहला मेरे लिए काम करन आया सी वह काम प्रति बहुत ही जनूनी है। मैनेजर ने आख्या कि उसनू हरदीप की जगह नौकरी भरन दे लई 90,000 अर्जियां मिलियां ने पर किसी कोल भी उस वर्गी योग्यता नहीं है। इस दौरान भाईचारा भी परिवार के समर्थन दे विच सामने आ रहा ते उकनागन दे एमपी रिचर्ड कैनिंग दे दफ्तर विच समर्थन दे लई 100 तों वध ईमेलां भेजियां जा चुकियां। ब्रिटिश कोलंबिया सूबे दे लोकसभा हलका उकनागन वेस्ट काउंटी दे संसद मैंबर रिचर्ड कैनिंग ने देश निकाले दा सामना कर रहे पंजाबी परिवार के हक दे विच हां दा नारा मारे अते उन्हां दा देश निकाला रुकवाउण दे लई कैनेडा दे इमीग्रेशन ते जनतक सुरक्षा मंत्रालय दे कोल डट के आवाज़ भी बुलंद कीती है। चाहल जोड़े नूं आम लोकां दा भी भारी समर्थन मिल रहा है। यह दस्या जा रहा है कि इन्हां नूं कैनेडा तों भारत वापस क्यों मोड़िया जा रहा है, यह अजे तक क्लीयर ही नहीं किया गया। यह घटनाक्रम जाली दस्तावेज पत्रां नूं लैके कैनेडा सरकार दे वल्लों कैनेडा दे विच स्थाई निवास यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी दे लई अर्जी देण वाले सैकड़े भारतीय विद्यार्थियों नूं देश निकाला देण दे कदम दे दौरान ही सामने आए। एक पासे जिथे विद्यार्थियों का रौला पिया होया है, एक विद्यार्थी जिसनों रिपोर्ट किया जाना सी उसके स्टे लग गई ऑर्डर से। हुण देखना होगा कि इस परिवार के मामले के कैनेडा की सरकार की फैसला लेंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाबी।